आज की तारीख है 26 मई 2016। मैं जाम्बिया लुसाका में अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के एनुअल मीटिंग को अटेंड करने आया हूँ। आज मीटिंग से छुट्टी होने पर हम जाम्बिया और जिम्बाब्वे देखने आए हैं। जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों ही ब्रिटिश सरकार के अधीन थे और तब इसका नाम होता था रोडेशिया। जिम्बाब्वे साउथ रोडेशिया कहलाता था और जाम्बिया नॉर्थ रोडेशिया। वैसे पहले तो दोनों ही रोडेशिया थे और जब 1964 में जाम्बिया इंडिपेंडेंट यानी स्वाधीन हुआ तब से जाम्बिया एक स्वतंत्र राष्ट्र है। 1980 में जिम्बाब्वे को आज़ादी मिली और वह एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में जाना गया। जिम्बाब्वे और जाम्बिया दोनों को ही जोड़ती है जम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी पर बना है करीबा डैम। करीबा डैम की सबसे पहले सोच 1955 में ब्रिटिश सरकार ने की थी और 1963 में यह कमीशन्ड हो गया था। आज करीबा डैम हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट से करीब 2000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आप देख सकते हैं ये फ्लड गेट्स हैं और कैमरा जिस तरफ है वह जिम्बाब्वे की साइड का है। और कैमरे को पैन करता हूं तो ये जो फ्लड गेट्स हैं जहां यह हरे रंग का क्रेन खड़ा है वह जाम्बिया की धरती है। नदी तो बस एक ही है जो इस डैम के रिजर्वायर से बहकर दोनों ही देशों के लिए विद्युत पैदा करती है, दोनों ही देशों के बच्चों को बिजली देती है, इनके घरों को रोशन करती है। पर दो देश जो पहले कभी एक हुआ करते थे आज बंट चुके हैं। इन्हें देखकर जावेद अख्तर का वो गीत याद आता है, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। यह दृश्य बहुत ही अच्छा है, मन लुभाने वाला है और आँखों को चौंकाने वाला। मैंने इतना बड़ा पावर प्रोजेक्ट आज तक कभी नहीं देखा था।